अगर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तो लेटाइस एंथैल्पी वाला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, है ना? लेटाइस एंथैल्पी, यस। तो ये लेटाइस एंथैल्पी क्या होती है दोस्तों? हाँ, ये वाली हम बता रहे हैं। जैसे कि एक आयोनिक कंपाउंड है NaCl, कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। जब आयोनिक कंपाउंड ऐसा नाम दिया है इसको, तो समझ लो कि ये सॉलिड में होगा तो भी इसके अंदर आयंस के फॉर्म में Na और Cl होगा। आपको ऐसा लगता है कि सर HCl है, गैस है सपोज, या तो लिक्विड है, तो अगर HCl लिख रहे हैं तो इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं, तो कभी नहीं। लेकिन NaCl है, क्योंकि ये कौन है? आयोनिक कंपाउंड है। कौन है ये? आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड को हम ऐसे आयोनिक फॉर्म में लिख सकते हैं, इन ऑल्सो सॉलिड स्टेट। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। इसके जो आयन हैं वो ऐसे एक दूसरे के साथ बढ़िया तरीके से अरेंज हुए हैं। ये देख सकते हो आप इधर कि मैंने एक क्रिस्टल बनाया, प्लस माने कि Na प्लस, माइनस मीन्स Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसा क्रिस्टल है। तो ये सॉलिड है, लेकिन उसमें क्या है? आयंस है। अब इसको हम कुछ हीट देके या तो कुछ रिएक्शन करके इसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं, पूरे क्रिस्टल को तोड़ देते हैं ऐसा करके। ये तोड़ तोड़ दिया मतलब क्या? थोड़ा लेके तोड़ना है, ऐसा नहीं होता। मुझे क्या करना है कि ये Na और Cl जो नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है सॉलिड फॉर्म में, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ही कन्वर्ट करना है। लेकिन कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज मिलता है मुझे, एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, डेल्टा एच, एच पी माइनस एच आर। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी मुझे एंथैल्पी मिलती है वो लेटाइस एंथैल्पी बोली जाती है। ये क्या बोली जाती है? लेटाइस एंथैल्पी। और ऑलवेज दोस्तों वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होती है, और वो है वो 1 मोल आयोनिक कंपाउंड में से जो आयंस है उसको किस में कन्वर्ट करना है? इट्स गैसियस स्टेट। ओके, आयंस आर डिसोसिएट इन देयर गैसियस स्टेट। तो ये वैल्यू मुझे NaCl के लिए 788 किलो जूल पर मोल मिलती है। अच्छा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इसमें क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेक हुआ कि बॉन्ड बना? आप बताओ मुझे, बॉन्ड ब्रेक हुआ कि बॉन्ड बना? तो दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। NaCl के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड था ना, वो ब्रेक हो रहा है, और इसीलिए क्या हुआ कि इसमें से एनर्जी इसको देनी पड़ती है, और इसीलिए वो एंडोथर्मिक रिएक्शन बनता है। और इसीलिए ये वैल्यू हमें कैसी मिलती है? पॉजिटिव मिलती है। कैसी मिलती है दोस्तों? पॉजिटिव मिलती है। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ जाना चाहिए। रेडी? तो ये एक है कि आपको ये समझना जरूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका डेफिनेशन, द लेटाइस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इन इट्स द एंथैल्पी चेंज विच अकर व्हेन विच 1 मोल ऑफ, कितने मोल? यस, 1 मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएटेड इनटू इट्स
आयंस इन अ गैसियस स्टेट। समझ में आया? गैसियस स्टेट के अंदर उसके जो आयन हैं, जो हमने डिफाइनेशन में दिया है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। मैंने कुछ नया तो बोला नहीं है, आपने देखा ये Na प्लस और Cl माइनस कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। अगर उसको कुछ हीट वगैरह दे के Na प्लस आयन और Cl माइनस को गैसियस बना दिया, ये बीच में प्लस आया ना, इसका मतलब दे आर फार विथ ईच अदर एट इनफाइनेट डिस्टेंस। यहाँ पे ये डिस्टेंस इनफाइनेट नहीं होता, ये दोनों के बीच में ये जो है ना, लेकिन यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनेट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, इनफाइनेट बन जाता है। सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन लेटाइस एंथैल्पी डायरेक्टली, वो हमें डायरेक्टली लेटाइस एंथैल्पी नहीं मिलती, तो उसको अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है एंथैल्पीज का, और उसको क्या बोला जाता है, बोर्न हेबर साइकिल। मतलब कि ये थियरम जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के अंदर, 12th 11th के एग्ज़ाम के अंदर भी ये आ सकता है। समझ में आ रहा है? चलो अभी हम देख रहे हैं बॉर्न हेबर साइकिल। चलो ये बॉर्न हेबर साइकिल क्या है दोस्तों? तो एक बढ़िया सा साइकिल होगा, है ना, कि जिससे हमें क्या पता चल जाता है। यस दोस्तों, जो बुक में दिया है उसको आप समझना चाहते हो तो भी हम समझेंगे, नो प्रॉब्लम दोस्तों, लेकिन उसी को ही मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस, क्या मिलेगा आपको, NaCl सॉलिड मिलेगा। लेकिन सर ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो चलो बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 यस Cl2 करेंगे। दोस्तों अब आपको एक पता है, यहाँ पे जब ऐसा रिएक्शन आता है तो इसमें कौन सी एंथैल्पी यूज होती है, डेल्टा FH0। ये क्या है FH0? हाँ इट्स अ फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी? एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग 1 मोल कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, इट इज कॉल्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट है और एलिमेंट में से कंपाउंड बन रहा है, तो उस टाइम की एंथैल्पी को आप क्या बोलते हो? यस चलो अब मुझे बताओ, यहाँ का वैल्यू 1411.2 किलो जूल पर मोल है, तो ये दोस्तों पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये नेगेटिव ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि बॉन्ड बन रहा है। आर यू रेडी दोस्तों? यस। तो इट इज योर फॉर्मेशन एंथैल्पी। पहला जो हमारा सीधा साधा जो स्टेप है उसको हम फॉर्मेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, और हमारा NaCl बन गया। चलो अब हम क्या कर रहे हैं,
ये जा रहे हैं एने के पास। एने सॉलिड को हम क्या बना रहे हैं? एने गैस। तो दोस्तों किसी भी सॉलिड कंपाउंड को अगर हम गैसियस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो दोस्तों क्या होता है? यस, इट इज कॉल्ड अ सब्लिमेशन। याद है ना, सॉलिड कन्वर्ट इनटू सीधा गैस, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो यहाँ पे हम सब्लाइम एंथैल्पी बोलते हैं, डेल्टा सब H0 चलेगा। यस, और उसका जो वैल्यू है 108.4 किलो जूल पर मोल। तो मुझे बताओ ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एंथैल्पी देनी पड़ती है। चलो एक स्टेप में हमने क्या किया, देखो पहले स्टेप में हमने क्या किया कि NaCl2 के साथ रिएक्ट करके NaCl बन रहा है, और वही Na अगर ये सीधा साधा स्टेप है उससे अगर हम नहीं जा रहे हैं तो हम बाईपास करके जा रहे हैं। जैसे कि Na सॉलिड को Na गैस में कन्वर्ट किया, अब ये Na गैस को हम क्या कर रहे हैं देख सकते हो आप लोग, Na प्लस एंड इलेक्ट्रॉन माइनस। तो क्या हुआ ये? यस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा आई एच। कुछ समझ में आ रहा है? इट वैल्यू इज 495.6 किलो जूल पर मोल। सर हमें ये वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं होता दोस्तों। चलो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो उसके लिए एनर्जी को क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। यस, चलो रेडी हो गया मेरे ख्याल से आप सबको। तो चलो ये आपका Na प्लस बन गया। क्या बन गया? Na प्लस। अब Cl2 को आप क्या कर रहे हो? Cl गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। Cl2 इज कन्वर्ट इनटू Cl गैस। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ। Cl2 गैस जो है उसमें Cl-Cl गैस था, है ना? तो ये ब्रेक होके Cl गैस बनाया, यस और नॉट? और वो दो Cl थे उसमें से एक Cl बन गया, तो उसकी एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं पता है? डेल्टा बॉन्ड एच। बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन वो बॉन्ड एंथैल्पी से वो आधा हो जाता है, इसीलिए क्या लिखा जाता है? वन हाफ डेल्टा बॉन्ड H0, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 121 किलो जूल पर मोल। अब बताओ मुझे ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। दोस्तों समझ में आ रहा है? यस। अब ये Cl गैस है उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो आपको क्या मिल गया? Cl माइनस गैस। क्या मिला? Cl माइनस गैस। तो मुझे बताओ आप लोग इसका क्या होगा? आप यस, डेल्टा EgH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना? यस, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसका जो वैल्यू है वो है 348.6 लेकिन ये ऑलवेज क्या रहता है? माइनस रहता है।
अब दोस्तों यहाँ से Cl माइनस और इसका Na प्लस, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, NaCl। तो मतलब ये तो ऐसा हो गया ना, Na गैस प्लस Cl माइनस गैस गिव्स NaCl सॉलिड होगा ऐसा, है ना। तो दोस्तों आप इसको क्या बोल सकते हो, लैक्टाइस एंथैल्पी बोल सकते हो, डेल्टा एच लैक्टाइस एच ये हमें मिल जाता है। तो हमें ये फाइंड करना है। सर आपने तो लैटाइस एंथैल्पी का फॉर्मूला ऐसा दिया था कि NaCl कन्वर्ट इनटू Na प्लस गैस एंड Cl माइनस गैस, तो दोस्तों उसका उल्टा भी तो ये लैटाइस एंथैल्पी बोल सकते हैं, लेकिन वो साइन चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि एंथैल्पी चेंज जो है वो रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए सेम रहता है, लेकिन क्या अलग है, साइन चेंज हो जाती है। तो दोस्तों आपका ये साइकिल दिख रहा है, तो साइकिल में फिर से एक बार बता देते हैं हम कैसे कैसे हमने क्या किया। पहले तो Na प्लस एंड Na सॉलिड Cl2 गैस से फॉर्मेशन एंथैल्पी मिल गई। हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो डेल्टा FH0 है, फॉर्मेशन एंथैल्पी जो ये दिख रही है ना, ये जो है विच इज इक्वल टू, क्योंकि ये हैश लो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि भाई किसी भी रास्ते से आप जाओगे और फाइनल कंपाउंड बनाओगे तो उस टाइम की जो एंथैल्पी है वो सारे रास्तों की सेम रहती है। अब हमने क्या किया, Na सॉलिड लेके Cl2 लेके NaCl बनाया सॉलिड, तो यही काम हमने ये डिफरेंट डिफरेंट रास्ते से जाके हमने बनाया है। तो दोनों की एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, कि डेल्टा FH0 इज इक्वल टू डेल्टा सबलाइम H0 प्लस डेल्टा IH0 प्लस डेल्टा 1/2 d/2 H बॉन्ड H0 वत्ता प्लस क्या होगा, डेल्टा EgH0 प्लस डेल्टा लेटाइस H0, क्या मिलेगा, लेटाइस H0। अब सारी वैल्यूज आपके पास है कि नहीं, हाई हाई। तो आप क्या करोगे दोस्तों, एडिशन सब्ट्रैक्शन का मामला तो आपको शायद आता ही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, डेल्टा लेटाइस H0 इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा FH0 माइनस डेल्टा सबलाइम H0 माइनस डेल्टा IH0 माइनस 1/2 डेल्टा बॉन्ड H0 माइनस डेल्टा EgH0। ओके, तो ये सारी जो वैल्यूज है ये सब को मैंने उस साइड ले गया। तो अब चलो इसका FH0 कितना है, -411.2। माइनस सबलाइम कितना है, 108.4। IH कितना है, 495.6। बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, 121, है ना। एंड माइनस EgH, वो माइनस है इसीलिए प्लस हो जाएगा, 348.6। कितना आंसर आ रहा है दोस्तों,
वेरी गुड, आई थिंक इट इज 7.87.6 है ना। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, माइनस था। हाँ दोस्तों एक मिनट, ये माइनस था। अब इसीलिए डेल्टा लेटाइस H0 7.6 विच इज इक्वल टू -788 किलो जूल पर मोल। लेकिन सर हमारा लेटाइस एंथैल्पी तो हमें क्या मिलता था, पॉजिटिव मिलता था। लेकिन ये रिएक्शन क्या है, Na प्लस गैस Cl माइनस गैस गिव्स NaCl सॉलिड, इसके लिए है। अब यही रिएक्शन हम इसके लिए देख लेते हैं वैल्यू। अगर अगर हमें थोड़ा सा डाउट है तो गैस प्लस Cl माइनस गैस, तो उस टाइम डेल्टा लेटाइस एंथैल्पी इज इक्वल टू 788 किलो जूल पर मोल हमें मिल जाता है। ये क्लियर है दोस्तों, है ना। यस यस यस, होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है, ये लेटेस्ट एंथैल्पी का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसके अंदर। चलो ये सारे रिएक्शन पर्सनली लगा के हमने इसको टोटल कर लिया है, तो यहाँ तक का ये टॉपिक तो कवर हो गया, यहाँ तक का। ओके, अब यहाँ पे देखो पैराग्राफ जो दिख रहा है ना, कौन सा है वो, इंटरनल एनर्जी इज स्मॉलर बाय 2RT बिकॉज डेल्टा एन जी इज इक्वल टू व्हाट, ये जीरो, ये टू कैसे हो गया, क्योंकि आपने क्या लिखा है यहाँ पे, NaCl सॉलिड गिव्स Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, है ना, है कि नहीं है। आपने एक एंथैल्पी का एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, डेल्टा H वाला जो फॉर्मूला है वो इंटरनल एनर्जी का, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ऐसा ही कुछ था। तो उस टाइम ये डेल्टा एन जी का मीनिंग क्या लिख रहे थे हम, चेंज इन गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट में गैसियस मोल कितने हैं, ये 1 मोल और ये 1 मोल, और ये रिएक्टेंट में कितने हैं, ये 1 मोल, लेकिन ये गैस नहीं है इसलिए ये कितना हो जाएगा, 0। और 2 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 2RT ऐसा मिलेगा। तो अब देखो इंटरनल एनर्जी इज स्मॉलर बाय 2RT, क्योंकि अब डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू का रिलेशन अगर देखोगे ये दोनों का, तो क्या बोल सकते हो आप, ये दोनों में बड़ा कौन है, डेल्टा एच की डेल्टा यू। तो
तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। है ना? लेकिन सर ये ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, कई सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि सर ये ज़्यादा है क्योंकि इसमें ये ऐड है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि भाई आपका ये जो है 2RT जितना ऐड करोगे डेल्टा यू में तो आपको डेल्टा एच जितना मिलेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन डेल्टा यू, तो डेल्टा यू डेल्टा एच से कितना छोटा है, 2RT जितना छोटा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये यहाँ पे लिखा है बिकॉज दिस इज इक्वल टू 783। Now we use the value of latice enthalpy to calculate the enthalpy of solution. तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला पता है, डेल्टा सोल एच जीरो इज इक्वल टू डेल्टा लेटाइस एच जीरो प्लस डेल्टा एच वाई डी हाइड्राइड हाइड्रेशन एच जीरो। दोस्तों सोल मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग ये हो जाता है कि जब आपका सॉल्यूशन बन रहा है तब उसकी एंथैल्पी में क्या चेंज होता है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि सॉल्यूशन बनना मतलब क्या, ये मेरा सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट को ऐड करके डिसॉल्व करना, दैट इज सॉल्यूशन एंथैल्पी। तो लेटाइस एंथैल्पी ऑफ द सब्सटेंस एक चीज़ है, और दूसरी हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द सब्सटेंस ये दूसरी बात है। तो यहाँ पे ये दोनों पे डिपेंडेड रहता है। अब कोई पूछेगा कि सर ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है और कितनी होती है, तो भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो हमें याद रखना होगा। चलो लेटाइस एंथैल्पी कितनी थी इसकी, सर इट इज़ 788 किलो जूल पर मोल, प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी है, यस माइनस 784 किलो जूल पर मोल। तो सर ये कहाँ से लाए आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द लिटरेचर, मतलब इसको याद रखना है। वैसे तो सॉल्यूशन एंथैल्पी हमने आगे भी देखी तो है ही, देखी है ना। वर्ड ऐसा नहीं आया है, लेकिन ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन एंथैल्पी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन एंथैल्पी, कि जब सॉल्यूशन बनता है तो उसकी एंथैल्पी में क्या चेंज होता है। तो सॉल्यूशन बनना इसका मतलब कि आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना। तो ये डिसॉल्व होता है तो दो चीज़ें इफेक्टेड होती है उसमें, एक है लेटाइस एंथैल्पी और दूसरी है हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेटाइस एंथैल्पी का मतलब तो आप समझ गए अभी कि जो जो आपका आयोनिक कंपाउंड है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो भी बॉन्ड है वो तोड़ने के लिए कितनी एंथैल्पी चाहिए और गैस में कन्वर्ट करना है उनको, तो वो कितनी एंथैल्पी चाहिए, दैट इज़ अ लेटाइस एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है कि वो जो आयन बना वो पानी के साथ कैसा घुल मिल सकता है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में जो आयन है वो पानी के साथ अटैच होने की टेंडेंसी, और लेटाइस एंथैल्पी में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ जुड़े थे आयनिक कंपाउंड में उसको रिमूव होने की टेंडेंसी। तो दोनों में ये रिमूव होता है और इसीलिए अब हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये पॉजिटिव है ना, और इसमें
हमने देखा कि वो पानी के साथ खुद अटैच होता है, तो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी में वो नेगेटिव मिलती है, और हमें ये मिल रहा है जो डिफरेंस डिफरेंस का वैल्यू इज 4 किलो जूल पर मोल। तो ये 4 किलो जूल पर मोल इज द वेरी स्मॉल अमाउंट, और स्मॉल अमाउंट है इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स कैन इजीली सॉल्यूबल इन वाटर। समझ में आ रहा है? आप सबको पता होगा शायद कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं और इजीली हो जाते हैं, उसका रीज़न ये है। यहाँ पे लिखा है देखो लास्ट सेंटेंस, द डिसोल्यूशन ऑफ NaCl सॉलिड इज अकम्पनेड बाई वेरी लिटल हीट चेंज, वेरी लिटल हीट चेंज, रेडी बच्चों रेडी, वेरी गुड। यहाँ पे ये बुक जो मेरे पास है और आपके पास है उसमें थोड़ा सा टॉपिक भी अलग रहेगा। तो देखो बोर्नहेबर साइकिल इम्पोर्टेंट टॉपिक बोला मैंने, तो मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ, तो आपको टेंशन न रहे। चलो सबसे पहले हमने क्या लिया, Na के साथ किसका रिएक्शन कर रहे हैं, भाई स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, बोर्न हैबर साइकिल वाली? हेलो, हेलो, नहीं दिखाई दे रही है। चलो दिखाई दे रही है स्क्रीन अब दोस्तों? हेलो, यस। तो अब देखो कि भाई बोर्न हैबर साइकिल एक ऐसी साइकिल है कि जिसको चलाने में हमें बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि फाइनली इसमें से NaCl मिलने वाला है। तो ये सीधा एक है कि हमने वो हैस का लो जब पढ़ा था तब ऐसा बताया था कि स्कूल से हमें उदवाड़ा जाना है तो एरोप्लेन से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से, या तो ऑटो रिक्शा से जाते हैं, तो या तो बस से जाते हैं, तो 2-3 रास्ते हैं अलग अलग। लेकिन हमारा फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप का जो एंथैल्पी चेंज होता है उसी पे ही वो रहता है और फाइनली हमें सेम मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये सीधा अगर Na सॉलिड में से Cl2 गैस रिएक्ट करके NaCl बनता है तो दैट इज़ द फॉर्मेशन एंथैल्पी, उसको क्या बोलोगे आप, फॉर्मेशन एंथैल्पी। सेकेंडली यहाँ पे एक वर्ड है आपके सामने कि भाई आप दूसरे और रास्ते यूज़ कर करके NaCl को बनाओ। तो हमने Na के साथ दो तरह का प्रोसेस किया और Cl के साथ दो तरह का प्रोसेस किया, है ना? तो Na सॉलिड में से Na गैस बना और Na गैस में से Na+ गैस बना।
चलो ओके, तो ये पहला स्टेप है जिसमें सब्लिमेशन हुआ, और ये दूसरा गैस है कि स्टेप है कि जिसमें आयोनाइजेशन हुआ, है ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगी और इसमें सब्लाइम एंथैल्पी लगी। अब Cl2 जो है वो पहले स्टेप में Cl गैस बनता है, तो वो उसका हाफ बॉन्ड एंथैल्पी हुआ, और दूसरे में EgH मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेकिन हमारा फाइनल टारगेट क्या था, Na+ एंड Cl- बनाना, और इसीलिए वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रोसेसेस। सो 2N2 4 प्रोसेसेस कैन बी पॉसिबल, और वही प्रोसेसेस अगर आप देखोगे कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, बट इट इज़ इन अ रेक्टेंगल शेप एंड वी आर गिविंग यू इन अ स्क्वेयर शेप, क्योंकि साइकिल साइकिल दिखना चाहिए। चलो नाउ सी दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर कंबाइन विथ ईच अदर एंड गिव्स द 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड, इट इज़ कॉल्ड अ लेटाइस एंथैल्पी। एक्चुअली दोस्तों ये लेटाइस एंथैल्पी में अगर हम देखेंगे तो हैस लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेशन एंथैल्पी जो ये -4 1.2 किलो जूल पर मोल जो वैल्यू है वो ये सब का समेशन के जितना होना चाहिए, ऐसा हमने किसको हमको किसने बताया है, होसेडस हैस लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, सारे वैल्यू की लिख लिए, और हमको पता नहीं था, हमको तो ये पता था इसका उल्टा रिएक्शन करेंगे, ए एन ए में से एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस गैस बनाएंगे, तो हमें पता चलता था कि भाई इसमें एन ए प्लस और सी एल माइनस बनाने से लेटाइस एंथैल्पी मिल जाती है, लेकिन ये तो उल्टा है, इसीलिए हमको इसको फाइंड करना था। तो फाइंड करना था तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनाया तो डेल्टा लेटाइस H0 इज इक्वल टू दिस डेल्टा FH0, ये सब माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है -787.6। सबका समेशन करेंगे तो अब ये माइनस है उसको एक्चुअली हम इतना बोल सकते हैं, सो अवर लेटाइस एंथैल्पी इज माइनस, नेगेटिव क्यों आया, तो ये रिएक्शन उससे उल्टा था, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जुड़ के मॉलिक्यूल बन रहा है यहाँ पे, इसीलिए ये पॉज नेगेटिव आया। अब उसी का उल्टा रिएक्शन करके हमने यही एंथैल्पी फाइंड की थी ऑलरेडी, हाँ। फिर हमने सॉल्यूशन एंथैल्पी के लिए डेल्टा एस सॉल्यूशन एच इज इक्वल टू डेल्टा लेटाइस H0 प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H0, ऐसा तो हमने आगे वाले लेक्चर में पढ़ा है। अब क्या हुआ कि इसकी लेटाइस एंथैल्पी तो 788 किलो जूल पर मोल है, और वो प्लस भी है क्योंकि वो आपको NaCl डाल रहे हो, कुछ किसी भी सॉल्यूशन दिखाना है आपको तो उसमें क्या डाला आपने, NaCl, और यहाँ पे क्या था, पानी पानी था, और इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी जब ये पानी में गिरेगा तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ वो अटैच होता है H2O के साथ, Cl- भी होता है और Na+ भी होता है, यस। और उस टाइम की एंथैल्पी हमें कितनी मिलती है, -784, तो 787.84, तो 4 किलो जूल पर मोल जितनी वेरी लेस एंथैल्पी वी कैन रिक्वायर टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड ऑफ NaCl। सो दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई कैसे हमको ये समझना होगा, क्लियर है। कभी कभी शायद बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि हमने अगर सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला तो क्या ये रिएक्शन होता है, तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड मैं अभी बता देता हूँ आपको, वापस हम वो ब्लैंक पेज पे जाएंगे। अगर हम सोडियम क्लोराइड सॉलिड है और उसमें पानी डालते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट बच्चे हो मुझे पता है, Na+ Cl- तो बनता है, उसका फेज क्या बनेगा, नहीं नहीं कभी नहीं बनता, एक्वायस और एक्वायस,
अरे सर हमको पता है, तब तक हमने ये चलो ये एक्वायस क्यों बना वो तो पता चल गया ना, क्योंकि पानी में डाला है। यहाँ पे हम लेटाइस एंथैल्पी में यहाँ पे पानी वानी नहीं डाला, समझ लेना। इसको सीधा गर्म करो या कुछ भी करो, और सीधा क्या करो, गैस में कन्वर्ट करो। रेडी। अब दूसरा एक क्वेश्चन है कि भाई सर इसमें से NaOH और HCl क्यों नहीं बना? सॉरी HCl प्लस NaOH, तो आपको पता है क्या? NaCl प्लस H2O प्लस हीट, ये हीट भी मिलती है क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, तो इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ऐसा रिवर्स नहीं होता। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि सर इसमें अभी हमने क्या किया, घर में से थोड़ा सा नमक ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले गए थे स्कूल में से घर पे, तो और उसमें थोड़ा पानी डाल दिया और बर्नर से उसको थोड़ा सा हीट कर लिया, तो मुझे इसमें NaOH एंड HCl मिल सकते हैं कि नहीं? तो नेवर, कभी नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है, इंस्टेंटली 10^-8 सेकेंड जितने कम टाइम में रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसे स्पीडी रिएक्शन जो होते हैं और वो कंप्लीट होते हैं तो वो रिवर्स नहीं हो सकते, और इसीलिए ये लॉजिकली आप समझ गए होंगे कि भाई क्या क्या चीज़ है वो NaCl के अकॉर्डिंग। रेडी दोस्तों, बच्चों रेडी। चलो ओके। अब एक आपके बुक में भी है, एफ में एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन है कि नहीं है? नहीं है? यस यस, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, वैसे तो ओमिट किया हुआ टॉपिक है कि नहीं? यस, लेकिन उसमें अगर आप देखोगे तो मैं ऊपर ऊपर से ही बता देता हूँ। वैसे तो हमने एक फॉर्मूला तो देख ही लिया उसका, चालू रखना दोस्तों। चलो कि भाई यस, एंथैल्पी ऑफ डेल्टा, ई का मतलब क्या था? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सर पहले भी आ गया है, तो डेल्टा सॉल्यूशन H0 इज इक्वल टू डेल्टा लेटाइस H0 और डेल्टा हाइड्रेशन H0। आप ऐसा लिख सकते हो दोस्तों, नहीं लिख सकते तो इसको याद रख लो, क्योंकि किसी भी आयोनिक कंपाउंड को, जैसे यहाँ पे दिखाया है AB सॉलिड है ना, ये आयोनिक कंपाउंड है, उसको हमने पानी में डाला तो A प्लस एक्वायस प्लस B माइनस एक्वायस बना, जैसे हमने आगे NaCl के लिए देखा वही बात। ओके यस। अब अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, लेटाइस एंथैल्पी सोच रहा हूं, लेटाइस एंथैल्पी, तो मुझे ये ए प्लस गैस बी माइनस गैस बन के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और ये सबको, ये दोनों को भी मैंने पानी में डाला तो हाइड्रेशन एंथैल्पी हो गया, तो वापस ये एक्वायस बन गए, यहाँ पे एक्वायस ही आएगा दोनों में। हाँ चलो, तो ये पूरा, अब आप क्या बोल सकते हैं, डेल्टा सॉल्यूशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस बोथ, क्योंकि ये भी है स्लो ही आएगा, क्योंकि क्या हुआ सिमिलर, ऐसे भी ये बॉर्न हैबर साइकिल की तरह ही हो गया, लेकिन इसको बॉर्न ने नहीं फाइंड किया इसीलिए उसको बॉर्न हैबर नहीं बोलते।
ए बी सॉलिड में से इक्वायस एक्वायस बन गया, सीधा पानी डाला, लेकिन उसको दो स्टेप अलग करके देखा तो भी हमें ये मिला। इसलिए दोनों का क्या करना होगा, हमें समेशन करना होगा। बस इतना सा इसके अंदर ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट इसके अकॉर्डिंग रहेगा। आगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, चलो डाइल्यूशन एंथैल्पी क्या होती है। HCl गैस है, उसको आप 10 मोल पानी के अंदर मिक्स करते हो तो HCl 10 एक्वायस और उसका डेल्टा H आपको फाइंड किया है तो वो मिल रहा है -69.01 किलो जूल पर। तो दोस्तों ये माइनस क्यों बना, क्योंकि आपका HCl पानी में गिरेगा, H+Cl- बनेगा, है ना। अब यही HCl को हम क्या कर रहे हैं, HCl गैस को हम डाल रहे हैं 25 एक्वायस। ये 25 का मतलब हो जाता है मोल। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, HCl एक्वायस ही मिलेगा, लेकिन 25 ml वाला, मोल वाला। तो अब इसका डेल्टा एच कितना मिला आप देख सकते हो आपके बुक में। यस सर, -72.03 किलो जूल पर। अब जितना पानी मतलब ज़्यादा डाल रहे हो उतनी यहाँ पे एंथैल्पी ज़्यादा एमिट हो रही है, चेंज ज़्यादा मिल रहा है ना, ज़्यादा एमिट हो रही है ना, ये एमिट होती है इसीलिए तो माइनस आता है। 69.01 जितनी एमिट हुई, यहाँ पे 72 जितनी, क्योंकि व्हाट इज डेल्टा एच, HP-HR, इट इज़ नॉट ओनली HP और HR। रेडी नेक्स्ट, कि भाई इसको हम लिख रहे हैं और इसमें 40 ml पानी डाल रहे हैं, मोल 40 मोल। तो HCl एक्वायस तो मिला 40 एक्वायस जितना, तो उसका वैल्यू कितना मिला हमें, डेल्टा एच इज इक्वल टू -72.79। इसमें जितना बढ़ा, इसमें जितना इंक्रीज हुआ, इतना इसमें इंक्रीज हुआ नहीं हुआ। तो दोस्तों HCl गैस को इनफाइनाइट वाटर में पानी डाला, कितने मोल, बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, तो HCl एक्वायस इनफाइनाइट एक्वायस बोल सकते हैं। तो डेल्टा एच का वैल्यू 74.85, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। समझ में आया। तो ये एक फिक्स अमाउंट की एंथैल्पी ही उसमें से क्या होती है, एमिट होती है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते होंगे, ध्यान में रखना है। मैं सिर्फ लास्ट उसका जो ये वैल्यू दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम एक बार रीड कर रहे हैं। इट इज़ नोन दैट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज, डाइल्यूशन डाइल्यूशन सॉरी एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द एडिशन ऑफ द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कभी भी आप क्या करते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्पेसिफिक अमाउंट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे लेते हो तब का एंथैल्पी चेंज है। दिस आर्ग्यूमेंट कैन बी अप्लाइड टू एनी सॉल्वेंट विथ अ स्लाइट मॉडिफिकेशन एंथैल्पी चेंज फॉर द डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सब में कितना कितना मोल है इसका, 1 मोल लिया ना सबका, और बाकी सबको चेंज किया, देखो द यस गैस एंथैल्पी चेंज फॉर डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड इन 10 मोल ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। फॉर कन्वीनियंस वी विल यूज द सिंबल एक्वायस फॉर वाटर। एक क्यू डॉट लिखा ना यहाँ पे, ये जो लिखा वो किसके लिए है, वाटर के लिए है। चलो ओके, देन HCl गैस 10H2O। ये लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ एंथैल्पी चेंज सॉल्यूशन। S1 का मतलब होगा सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2 एंड सॉल्यूशन 3 दिया हुआ है ना।
सर इसको S1 लिखा है, S2 और S3। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच शोज द जनरल डिपेंडेंस ऑफ द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एज मोर एंड मोर सॉल्वेंट इज यूज्ड, जैसे 25, 40 एंड इनफाइनाइट, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अप्रोच लिमिटिंग वैल्यू। चलो कौन सी है लिमिटिंग वैल्यू, ये जो सर्कल की ना वो लिमिटिंग वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस वैल्यू ऑफ एच सी एल इज गिवन एबो इन इक्वेशन 3। चलो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे एच सी एल को नहीं बढ़ाना है, इसीलिए हम पर मोल लिख सकते हैं। ये पर मोल लिखा ना वैल्यू, वो पर मोल किसका है, एच सी एल का है। इफ वी सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन S1 फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन S2 इन द एबो सेट ऑफ इक्वेशन, तो आपको ये मिल सकता है ऐसा। फर्स्ट और सेकंड मतलब किसको, ये माइनस ये, फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसा ही करना है ना आपको। यस, तो आपको ये मिल गया ऐसा। तो ये एच सी एल तो कैंसिल हो जाएगा इसमें से, फिर इसमें से 25 एक्वायस माइनस 40 एक्वायस, तो कितना बचेगा, 15 एक्वायस, लेकिन माइनस बचेगा ना, ओके माइनस बचेगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस ये एच सी एल 15 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद फाइनली आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। S1 माइनस S2, चलो ऐसा करके देख लेते हैं क्या होता है। क्या था S1 में, HCl गैस प्लस 25 एक्वायर्स माइनस क्या था, HCl गैस प्लस 40 एक्वायर्स। चलो ये तो हो गया एक रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू क्या है, HCl 25 एक्वायर्स माइनस HCl 40 एक्वायर्स, है ना। और इसकी जो एंथैल्पी चेंज थी वो तो ये तो इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा ना मुझे, कितना मिला, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये माइनस 15 एक्वायर्स इज इक्वल टू ये माइनस HCl 15 एक्वायर्स, ऐसा ही मिल रहा है हमें, ओके मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ 24 24, 15 एक्वायर्स। और इसके अकॉर्डिंग आपका जो वैल्यू है वो भी आपने क्या किया, माइनस कितना था, 72.03 माइनस माइनस 72.79, कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी आपको माइनस मिल रहा है, आगे का वैल्यू जो था ना, -72.03 +72.79, लेकिन यहाँ पे आपका ये वैल्यू कैसा था, माइनस था ना, इसीलिए अगर आप डेल्टा एच को फाइंड करोगे तो ये एक्चुअली पॉजिटिव मिला, कितना 76 किलो जूल पर मोल, लेकिन डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे सब में कैसा है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग नेगेटिव है पर मोल, तो मिल जाता है। दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इट इज द, देखो डेल्टा एच जो दिया ना उसने क्या दिया, समझ में आए, दो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन
जो क्वांटिटी का सॉल्यूशंस थे उनकी एंथैल्पी का चेंज को डाइल्यूशन एंथैल्पी बोला है. ओके, इट इज द हीट विड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग व्हेन एडिशन सॉल्वेंट इन एडेड टू द सॉल्यूशन. द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट. तो दोस्तों, जो भी आप सॉल्यूट डाल रहे हो, सिर्फ डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा रिएक्शन है, किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में ऐड किया है, उसका अमाउंट फिक्स कर दिया और डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में सॉल्वेंट डाल के जो भी आपको चेंजेस मिलता है हीट में, उसका चेंज डाइल्यूशन एंथैल्पी बोली जाती है. ओके दोस्तों, तो हम अभी नेक्स्ट यहाँ तक इसको रखते हैं.